पूरे मुंह पे मुझे जलन इस कदर हुई, मैंने कहा उतार दो। उसने कहा आपका फर्ज बनता है कस्टमर को बताएं कि उसको कोई चीज सूट करती है नहीं करती है, आपने मुंह उठा के लगा दिया। ये अपने थोड़े पगल है ये लेके आई अंदर है मम्मा। आप लोगों के साथ भी कभी ये स्कैम हो ना, ये पार्लर वाला स्कैम, तो आप लोगों ने याद रखना है। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे। नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया था, आज नाश्ते में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था, पराठा था, शोरबे वाला चिकन था, कल जैसा नाश्ता नहीं था, कल जो साग वाला नाश्ता था वो आज हमारा नहीं हुआ। मामा को कल हमने बनाई थी गेस्ट लिस्ट, मामा की फ्रेंड्स की, कि किस किस फ्रेंड ने आना है, और आज हमने बैठ के मामा की उन सब फ्रेंड्स को कॉल्स करनी है कि हाँ कौन अवेलेबल है कौन नहीं है, ताकि हमें पता चले कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। तैयार होकर की बैठी हुई हैं, आपकी कोई वीडियो जा रही थी उनको जो आप तैयार होकर कॉल्स कर रही हैं। अभी मामा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके पूछ रही हैं कि वो अवेलेबल है कि नहीं। मेरे पास गेस्ट को मैंने फोन कर दिया। आंटी जरूर आइएगा। हाँ जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं आना, इंशाल्लाह। दोनों फ्रेंड्स हैं मामा की, दोनों का नाम निगत है, दोनों के हस्बैंड्स का नाम भी अनवर है, क्या कोइंसिडेंस है भाई। फ्रेंड्स को कॉल्स करने के बाद हमने जाना है ग्रोसरी करने। ये भी मम्मा की फ्रेंड है, मम्मा की फ्रेंड लिस्ट बहुत लंबी है, किसी को बता दो ना कि मम्मा की इतनी दोस्तें आ रही हैं तो वो हैरान। मम्मा एक फ्रेंड को कॉल कर रही है और उससे पूरा एक घंटा बात कर रही है। मम्मा आप एक कॉल करती हो उस पर पूरा घंटा लगा देती हो यार। आज शुक्र है माली पौधों को पानी दे गया, उसको आज ख्याल आ गया। चलो जी पहुँच के मम्मा, अपना बैग लूँ कि ना लूँ? मैंने क्या करना है, कोई खर्चा खुर्चा करना पड़ जाए आप कर लेना। पहुँच गए हैं जी हम इम्तियाज, आज पहली दफ़ा पता है नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, हम कभी नहीं आए इम्तियाज से पहले। लेट्स सी हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है ग्रॉसरी का। ध्यान से चलो 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 चलो, ट्रॉली पकड़ ली मेरी अम्मा ने अपनी, चार पांच चीज़ें लेके कहती मुझे मज़ा नहीं आ रहा करने का, तो हम नहीं ले रहे, तो अब हम नहीं ले रहे, हम कहीं और जा रहे हैं। ट्रॉली देखो हमारी ट्रॉली हमारे पीछे छोड़ दिए, होगी शॉपिंग आज। आज एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है कि आज के बाद हम कभी इम्तियाज नहीं आने वाले, क्योंकि मम्मा एक दफ़ा घूम ली इम्तियाज में, मम्मा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मम्मा को समझ नहीं आ रही थी, तो बस आज के बाद हम इम्तियाज नहीं जा रहे हैं, हम वहीं ग्रॉसरी करने जा रहे हैं जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं। अब हम जा रहे हैं वापस कहीं और ग्रॉसरी करने। ये लो एक सामान आपका बाहर पहुंच चुका है। बात सुनो, आपने इतनी सारी चीज़ें ली, मैंने कुछ कहा, मैंने ये हल्की सी छः चार चीज़ें ले ली, अब आंखें निकालने लगे। मम्मा आगे की जा रही थी, मैं पीछे से डाली जा रही थी, आगे की जा रही थी पीछे डाली थी, उसने आके एंड में मेरी सारी सारी चीज़ों का बिल अलग कर दिया, और मम्मा की सारी वो जो ग्रॉसरी की थी वो अलग रख दी, ये सारी अलग थी। मम्मा को पता चल गया कि मैं चोरी कर रही थी। हम लोग कब के आ चुके हैं यार, मैं गाड़ी में ही सो गई थी, मम्मा ने आके अभी मुझे उठाया, रोटी बन गया के खा लो, पता नहीं मुझे मेरा हाथ सुन हो गया, मेरा हाथ सो गया, मैं गाड़ी में सो रही हूँ। The next day. Hello guys, story time. अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन, मैं गई पार्लर, ठीक है, हम उस सैलून में गए, वो शाले में, ठीक है, उस सैलून में मैं गई, वो मुझे ना प्रोडक्ट्स ब्लीच लगाई उसने, ब्लीच ना मुझे, मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो मुझ पर कोई चीज़ ऐसे असर नहीं करती, पॉलिशर शॉलिशर ना ऐसे मैं चुभता नहीं है, हाथों पे तो बिल्कुल नहीं चुभता, और गर्दन पे तो पॉलिशर मेरे लगता ही नहीं है ना कि चुभे, इस जगह पे होता है थोड़ा सा सेंसिटिव, तो उधर वो सूदिंग कोई लोशन वगैरह लगा देते हैं। उसने मेरे लगाया, मेरे ना हाथ पे, हाथ ये पूरे मुंह पे मुझे जलन इस कदर हुई, मैंने कहा उतार दो, उसने उतार दिया, मैंने कहा हाथों पाँव पर लगाओ, हाथों पाँव पर लगाया, उस पर ऐसे जला ऐसे जला, मैंने उधर से भी उतार दिया। फिर मैंने जेंसन्स का फेशियल कराना था, ठीक है, जेंसन्स का, मामा के पास क्लिंजर वगैरह, हमारे पास वैसे भी प्रोडक्ट्स जेंसन्स के पड़े हैं घर में, उसने मेरा क्लिंजर लगाया, यू नो ना, अच्छा उसने मेरा क्लिंजर लगाया, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा पॉलिशर कौन सा है, कहती कोई डॉक्टर डर्मा कुछ है ना उसका है, मैंने कहा ओके, मैंने कहा इतना क्यों चुभ रहा है, मैंने कहा ला के दिखाओ, लाए ना कोई भी उनमें से, सारी एक दूसरे कानों में बातें करने लग गई, मैंने कहा मुझे ला के दिखाओ, मैंने पिक्चर लेनी ताकि नेक्स्ट टाइम मैं यूज़ ना करूँ ब्लीच, तो लाए ना मैंने, देखो मेरी गाड़ी ना स्टार्ट हो, ऊपर से इसने छोड़ बिचारा, मैंने कहा कहाँ मुझे छोड़ के चली गई आप, सुनो नहीं ना मामा तो छोड़ के चली गई मुझे अपने कामों पे, उन्होंने समझा कि बच्ची है, आप लोगों के साथ भी कभी ये स्कैम हो ना, ये पार्लर वाला स्कैम, तो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। वो मुझे प्रोडक्ट्स ना ला के दिखाए, उसने मुझे जवाब तो दिया होगा क्या, उसने कहा अच्छा मैं दिखाती हूँ एकदम से, वो दूसरा एक और ले आई पॉलिशर, मैंने कहा ये पॉलिशर है, कहती नहीं ये तो वो है क्लिंजर है, पॉलिशर हमने किसी और का यूज़ किया, मैंने कहा आपका फर्ज बनता है कस्टमर को बताएं कि उसको कोई चीज़ सूट करती है नहीं करती, आपने मुँह उठा के लगा दिया, मुझे कुछ आप बता भी नहीं रही, ठीक है।
ये हो गया खत्म। अब मैंने कहा चलो क्या बहस करनी, पॉलिशर मैंने रिमूव करवा लिया विद इन 2 मिनट्स, मैंने कहा रिमूव कर दो इसको, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही। ठीक है अच्छा आगे सुनो, मस्त स्टोरी आगे सुनो। फिर आगे फिर ये हुआ कि उसने ना मेरे क्लिंजिंग शुरू कर दी। मैंने कहा ये कौन सा क्लिंजर इस्तेमाल कर रही है, कहती मैं जेंसन्स का क्लिंजर इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है जेंसन्स का क्लिंजर। मैंने कहा मेरे वॉशरूम में पड़ा है घर में, मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ, उसकी ऐसी स्मेल ही नहीं है। कहती चुप कर गई, वो जो कर रही थी ना ऑनर तो थी नहीं, वो कर रही थी वर्कर, चुप कर गई ना करने लगी। फिर आगे जी वो मैंने गुस्सा बर्दाश्त किया, मैंने कहा उसका कंट्रोल किया, मैंने कहा चल कोई नहीं। फिर आ गया, या तुम पैसे ले रही हो, एक अमाउंट ले रही हो जेंसन्स का बोल के, ये पार्लर वालियाँ इतने स्कैम करती हैं ना भाई कसम से। तो उसने आगे अब आगे स्क्रब की बारी। अच्छा। मैंने कहा स्क्रब ये जेंसन्स का स्क्रब है, मेरे तो दिल में एक दफ़ा आ गई। कहती हाँ, मैंने कहा डब्बा तो कोई और है। कहती वो हमने ना जेंसन्स की बॉटल्स अंदर रखी हूँ, बॉटल्स गंदी हो जाती हैं तो हम डब्बे में इसमें डाल के लेकर आते हैं। मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिल में कहा ये बात, मैं पागल हूँ। उसके बाद ना उसकी ऑनर आ गई। अब ऑनर का फर्ज बनता है कि तू किस चीज़ की ऑनर है, या मैं हूँ किसी जगह की ऑनर, तो मेरा फर्ज बनता है मैं आगे कस्टमर को सेटिस्फाई करूँ, उसको कहूँ कि यार आप बैठे हैं, मैं लेकर आती हूँ प्रोडक्ट्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आप तसल्ली। हर जगह ऐसे ही होता है। वो आके मुझे क्या कहती है, मुझे कहती है आप इनका मुँह साफ कर देंगे, ये नहीं करा रही तो रहने दें। मुझे गुस्सा इतना शदीद, तुम पागल हो, मैं पागल। मैंने कहा मैंने शुरू करा दी। कहती नहीं नहीं आप मुँह साफ कराएं। कहती और ऊपर से मुझे कहती मैं तो ये मुझे कह रही है कि मैं आगे मेरी फ़ोन की मेमोरी पता नहीं क्यों फुल हो जा रही है, इतनी व्लॉगिंग में कर भी नहीं रही। अच्छा सुनो, आके मुझे कहती कि मेरे के लोगों को ना, मेरे तो DHA के कस्टमर्स हैं सारे, वो तो कंप्लेन करते नहीं, तुम आप क्यों कंप्लेन इतनी कर रही हो ना, आप रहने दो आप जाओ। मतलब पता नहीं मैंने क्या बात की, मैं तो बात यार मुझे गुस्सा इतना शदीद आ गया। मैंने मम्मा को फ़ोन की, मैंने कहाँ छोड़ के चली गई है मुझे, हैं फालतू जगह पे। हालांकि ये अच्छा सैलून अपने आप को, वही मैं आपको कह रही हूँ कि मेन चीज सब ऐसे करते हैं, लेकिन ध्यान आप लोगों ने खुद रखना है कि कोई प्रोडक्ट आप कोई भी ऐसे नहीं करता कभी। कोई ऑनर, मैं एक ब्रांड की ऑनर हूँ, मैं भी कहूंगी यार अगला कस्टमर इज ऑलवेज राइट, अच्छा तुम्हारा मसला है तुम्हारा हम सॉल्व कर देंगे। यार मैं जिस पार्लर में गई थी, मैं तो दिल कर रहा था उसकी पिक्चर मंगवा के वो लगाऊ मैं उधर, वो होंगे छतरी चौक के बिल्कुल सामने, मैं नाम नहीं लूंगी गाइस, मैं नाम नहीं लूंगी, नाम नहीं लूंगी मैं। ठीक है अब अगर कोई आप जाएगा उस सैलून में तो पागल ही होगा। मेरा तो इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है कि आप लोगों की सोच है। हाँ इतना बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ, पार्लर वाली ने किया उस के साथ स्कैम। तालियां बजाए। ये खातून जो वहां बैठी है ना, ये मुझे लेके गई थी। गाइज मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद किसी को वो करना नहीं था, अगर आप कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो वो यूज करो, अगर नहीं यूज कर सकते तो कस्टमर्स को पागल ना बनाओ। देखा आप लोग क्यों आप स्किन के साथ आप बता रहे हो, कुछ और लगा रहे हो, कुछ और अगले की स्किन का बेड़ा गर्क कर दो। अजीब, मुझे बहुत गुस्सा आया, गुस्से में वीडियो में डालूंगी। ये देखो हमारे अपने लेमन ये अपने तोड़े पक गए ये लेके आई अंदर है मम्मा, पहले पापा ने भी तोड़े थे। वाह यार मैं समझी तुम मजाक कर रही हो, वाह जी वाह। तो यार ये सीन है, प्लीज स्कैम से बच के रहे, पार्लर वाली वाले स्कैम से तो बिल्कुल बच के रहे। आज तो मेरी बेइज्जती कर दी ने, उसे पता नहीं है मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं बताओ। ये बन रही है जी खीर कल के लिए, कल जो हमारी दावत है ना उसके लिए खीरें बन रही हैं, जो कि मैं बना रही हूँ। गाइस मम्मा आप क्यों, मुझे देना मैं डाल रही हूँ, जब मैं बना रही हूँ तो मैं डाल भी लूंगी ना खीर। कोई बात नहीं, तुम्हारे तुम कह रही हो तो मैं डाल, माँ ने कहा पराए घर की हो, सास ने कहा पराए घर से आई हो, जस्ट चिल्लरीज, जब अपना घर होगा तब काम करेंगे। इस टाइम रात के 10 बज रहे और मेरी अम्मा ने मेरा ये हालत कर दी है, मुझे घुमा घुमा के घुमा नहीं यार मम्मा क्या करेंगे, YouTube channel। Bye bye, Allah Hafiz।